Hello my friends, I'm your host Rishabh Rajesh. If you like our channel, please subscribe to our channel and after subscribing, press the bell icon to stay notified for latest updates. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो ऑटो डीएनए पर। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ राजेश और इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं नेक्सॉन इलेक्ट्रिक या ईवी के एक्सजेड प्लस वेरिएंट को, जो टॉप ऑफ द लाइन से एक वेरिएंट नीचे का है। तो इसमें नॉर्मल नेक्सॉन से कुछ चेंजेस है और ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रिक है। यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक ग्रिल मिलेगा, यहाँ पर आपको ईवी की बैजिंग मिलेगी ब्लू कलर में, यहाँ पे आपको क्रोम में टाटा का लोगो, यहाँ पे आपको सेम रेगुलर नेक्सॉन जैसे लाइट्स मिलते हैं प्रोजेक्टर वाले, और आपको दो डिज़ाइन वाले डीआरएल्स भी मिलते हैं। और इसमें एक अच्छी बात है कि आपको इधर जो ग्रिल है और जो लाइट्स है वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा ब्लू एम्ब्लेम देखने को मिलेगा, आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स मिलेंगे, पूरा ग्रिल का जो हाउसिंग है उधर आपको एक ब्लू कलर का एम्ब्लेम मिलेगा, वेराइस आपको टाटा नेक्सॉन में वाइट कलर या ग्रे कलर में मिलेगा आपको। और ये ब्लू कलर, इस ब्लू कलर पे काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी स्टैंड आउट करता है। और नीचे आप जो बम्पर देखेंगे उधर जो ट्राई आरो डिज़ाइन मिलेगा उधर भी आपको सेम ब्लू कलर ट्राई आरो पैटर्न कलर्स मिलेंगे। और एक बार हम लोग साइड की ओर बढ़ें तो यहाँ पे आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे दिखते हैं और मेरे को तो काफ़ी शानदार लगते हैं ये टायर्स। ये वांडरर के टायर्स हैं। और आप साइड में देखेंगे तो आपको ईवी की बैजिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग में और साइड टर्न इंडिकेटर्स के साथ मिलेगा। और ये काफ़ी अच्छा दिखता है कि आपको ब्लू कलर पे आपको ब्लैक कलर का फिनिशिंग, यहाँ पे आपको डोर हैंडल विथ रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, ना कि आप हाथ लगा के इसको खोल सकते हैं। और देखेंगे तो आपको जो ओवरऑल ये जो ब्लू कलर का फिनिशिंग मिलेगा ये आपको काफ़ी अच्छा दिखता है आपको, मतलब ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है कि आपको पुराने नेक्सॉन में लेटेस्ट नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी हर जगह ये चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। जो सी पिलर है उधर आपको ग्लॉस ब्लैक या मैटिश ब्लैक एंड मैट ब्लैक में आपको फिनिशिंग मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको अभी वाइड एंगल में इसके साइड प्रोफाइल को दिखा देते हैं। तो ये कुछ है नेक्सॉन ईवी का पूरा साइड प्रोफाइल और इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है एक्सेप्ट द ब्लू एम्ब्लम और एक ईवी की बैजिंग को छोड़कर। और ये आपको एक्वा टील कलर जैसा एक कलर मिलेगा जो काफ़ी खूबसूरत इस कार पे लगता है। टेल लैम्प्स की बात करें तो आपको एलईडी टेल लैम्प्स मिलेंगे और ये आपको दो पाथ जैसे आपको मिलेंगे, जैसे स्ट्रेट जाके फिर आपको लेफ्ट एंड राइट पे जाने वाले लाइट्स मिलेंगे, इंडिकेटर आपको नॉर्मल मिलेंगे। यहाँ पे आपको जिप का जो बैचिंग रहेगा वो ब्लू में मिलेगा और ट्रॉन का क्रोम में, टाटा का लोगो आपको क्रोम में मिलेगा और ये जो पार्ट है ये आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा और ये आपको पूरा वही ब्लू वाला मिलेगा जो आपको फ्रंट के ग्रिल में और ट्राई एरो पैटर्न में मिलेगा और ये आपको एक्वा टील कलर में मिलेगा। और यहाँ पे आपको एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलेगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ईवी की बैजिंग भी मिलेगी।
और आपको बताऊं तो ओवरऑल इसको काफ़ी शानदार लुक दिया हुआ है। आपको रियर वाइप वॉश फंक्शन मिल जाता है और पुनीत मोटर्स या पुनीत ऑटोमोबाइल्स से है ये। सो आप पुनीत ऑटोमोबाइल्स, आप यहाँ पुनीत ऑटोमोबाइल्स, अगर आप मुंबई से हैं तो आप यहाँ से गाड़ी ले सकते हैं, जो आपको सर्विस और सेल्स अच्छे देंगे। तो आप ये वीडियो पॉज करके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये शोरूम को विजिट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा और वाइट रूफ मिलेगा विथ हाई माउंट स्टॉप लैम्प। और मेरे को तो काफ़ी ये गाड़ी शानदार लगी। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं, अपने व्यूज ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों ये है टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक का पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और उसके अराउंड आपको ब्लू एक्सेंट्स मिलते हैं। इधर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ IRA या ERA कनेक्टिविटी सिस्टम मिलेगा। जो AC वेंट्स मिलते हैं उसके अराउंड भी आपको ब्लू एक्सेंट्स मिलेंगे। और अभी हम इसको आपको ऑन करके दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वेलकम फंक्शन मिलेगा और आपको नेक्सॉन EV का पूरा एक चेकिंग मिलेगा। जो स्क्रीन है वो एकदम सेम मिलता है, लेकिन आप फ़ोन से IRA को कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको बताऊं तो इसके सीट्स को एक बार हम दिखा देते हैं आपको। तो इधर जो आपको सीट्स मिलेंगे ये काफ़ी अच्छा है, जो हैंड ब्रेक है वो आपको लेदर रैप मिलेगा। यहाँ पे एक कबी होल मिलता है, वहाँ पे भी ब्लू एक्सेंट्स। जो आपको एक रोटरी डायल मिलता है आपके गियर सेलेक्टर के लिए, यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक क्लोजिंग एंड ओपनिंग फ्रंट आर्मरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पे आपको स्टोरेज मिलेगा। और जब आप फ्रंट आर्मरेस्ट को खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग नहीं बल्कि आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग मिलेगा, और आपको बीच या वाइट कलर का आपको ये नीचे का पार्ट मिलेगा। और ग्लव बॉक्स में आपको टैबलेट होल्डर और सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे LED लाइट्स मिलते हैं, और आपको डे एंड नाइट एडजस्टमेंट आपको मैनुअली करने को मिलता है। आपको बताऊँ तो जो सीट है यहाँ ये काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छा लगता है, और आगे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आपको रियर आर्मरेस्ट मिलता है, और सीट्स में आपको ब्लू एक्सेंट्स या ब्लू ट्रायरो पैटर्न डिज़ाइन मिल जाता है। ये आपका सेकेंड वेरियंट है, तो इसमें आपको सनरूफ नहीं आएगा। और जो अंदर है डोर हैंडल है, वहाँ पर आपको क्रोम मिलेगा। एक बार हम आपको इसका डोर पैड भी दिखा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिल जाए। तो ये देखिए, ये इसका कुछ पूरा डैश या इसका जो डोर पैड है ये ऐसा कुछ है। वाइट और स्पीकर मिलता है आपको, और आपको यहाँ पे एक लाइट मिलता है, और जो हैंडल या हैंड रेस्ट है वो आपको ब्लैक में मिलेगा, और ऊपर का पार्ट आपको मैट फिनिश या माइक्रो डिज़ाइन में मिलेगा। और ओवरऑल मेरे को तो काफ़ी शानदार लगा ये कार, और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से, और इंटीरियर एक बार यहाँ से भी व्यू दिखा दूँ तो काफ़ी शानदार दिखता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है, यानी काफ़ी स्पोर्टी है। और दोस्तों इसमें आपको 127 BHP की आपको पावर मिलता है बैटरी के थ्रू, और आपको 440 Nm का आपको इसमें पावर देखने को मिलेगा। जो बैटरी आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 127 BHP मैक्सिमम पावर और 245 Nm का मैक्स टॉर्क। और आपको बता दूं कि इसका जो प्राइस है वो लगभग 13.99 लाख से 15.99 तक जाता है एक शोरूम दिल्ली में, और बाकी जगहों के प्राइसेस आपको एक एक करके मिलते जाएंगे। तो मेरे को तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी, और मेरे को तो काफ़ी ये कार से, इसके डिज़ाइन से सेटिस्फैक्शन लगा। मेरे तरफ से इस कार के लिए एक बहुत बड़ा थम्स अप है, एंड अभी शायद सब लोगों को इलेक्ट्रिक या EV रेवोल्यूशन की ओर बढ़ना चाहिए। और टाटा इज़ प्रोवाइडिंग यू थ्रू टाटा पावर, दे आर प्रोवाइडिंग यू फ्री होम बॉक्स फॉर योर चार्जिंग, एंड ऑल्सो इट विल गिव यू डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम योर मीटर बॉक्स टू द प्लेस वे योर कार इज पार्क्ड वेन एवर यू आर इन और आउट ऑफ योर कार। सो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अपने और बेसिकली सब्सक्राइब करने मत बेल आइकन भी दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के लिए। थैंक यू, शबा केयर, बाय बाय, सायोनारा।